ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन दुर्ग जिले के बैनर तले मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में नन्हे रोजगार मुकम्मल कुरान व अजान कंपटीशन में भाग लेने वाले बच्चों को उनके हौसला अफजाही के लिए मोमेंटो प्रमाण पत्र जानमाज एवं पेन देकर सम्मानित किया गया। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन दुर्ग जिले के बैनर तले दुर्ग तकिया पारा के मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में नन्हे रोजगार मुकम्मल कुरान व अजान कंपटीशन में भाग लेने वाले बच्चों को उनके हौसला अफजाई के लिए मोमेंटो प्रमाण पत्र जानमाज एवं पेन देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष सिराज भाई एवं दुर्ग संभाग संरक्षक पूर्व राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन मोहम्मद अकरम कुरैशी, मोहसिन खान, नसीम अंसारी, शाबान खान, दुर्ग जिला अध्यक्ष इकराम कुरैशी, MIC प्रभारी अब्दुल गनी इस अवसर पर कार्यक्रम में आए अतिथियों द्वारा बच्चों को मोमेंटो व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसके चलते बच्चों व उनके पालकों के चेहरों पर खुशी नजर आई। गौरतलब है कि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए किए गए इस आयोजन में फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष सिराज भाई एवं दुर्ग संभाग संरक्षक पूर्व राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन मोहम्मद अकरम कुरैशी ने अपने संबोधन में बताया कि आगामी दिनों में बच्चों के बेहतर भविष्य और दीनी जानकारी के लिए इसी तरह के बड़े स्तर पर प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। आज नन्हे रोजगार मुकम्मल कुरान जिसने किया है और जो रोजे रखे छोटे बच्चे 11 साल के नीचे के बच्चों का आयोजन है ये, और जिन्होंने अपना यहाँ पे खिदमत दी है रोजगार बन के और अजान देके उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ये मुस्लिम संस्कृति भवन तकिया पारा में ये प्रोग्राम हुआ है और ये छोटा प्रोग्राम है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आगे इससे बड़ा बड़ा प्रोग्राम हम इस बैनर तले करेंगे इंशाल्लाह। इसमें हम 11 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनको नन्हे रोज़गार कहते हैं हम लोग, और अगर उन्होंने एक रोज़ा भी रखा है अपने समाज के बच्चों को हम मोटिवेशन उनका हौसला अफजाई करने का हम काम चालू किए हैं ताकि उनको अच्छे कामों की आदत पड़े। इसके अलावा हम लोगों का कंपटीशन था अजान कंपटीशन, हमने ये देखा है कि बच्चों में इतनी अजान पढ़ने की इतनी काबिलियत है और इतना अच्छे से अजान वो पढ़ सकते हैं और इतनी प्यारी अजान पढ़ते हैं, तो हम लोगों ने उनको भी मोटिवेट किया है। सबसे बच्चे लोग तो कार्य कर रहे हैं उनके हौसला अफजाई और उनके कार्य देखते हुए उनके कार्य को देखते हुए अपन एक और मुस्लिम वेलफेयर की तरफ से उनको हम आगे बढ़ाएंगे हौसला अफजाई करेंगे। ठीक, आपने परिचय बताया। मोहम्मद अकरम कुरैशी और संवाद संरक्षण पूर्व राज्य मंत्री। इस कार्यक्रम में यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में रखा गया है कि बच्चों के जिन्होंने कॉम्पिटिशन हुआ था छत्तीसगढ़ लेवल पे, उस लेवल पे ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से प्रोग्राम करे जा रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ लेवल में। हमारे के बच्चों ने भी इसमें भाग ली और यहाँ हमारे जो कुरैशी साहब हैं, अस्सी है, सहील है, इन लोग जो मिल करके प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है, तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि हम इस प्रोग्राम में इनको साथ दें और आगे बढ़ाएं और कौम के बच्चों को इस तरीके से तैयार करें कि दीनी प्रोग्राम में वो आगे से आगे बड़े से बड़े हिस्से लें। और ये एक अच्छी शुरुआत है और मैं अपनी दुआएँ भाई इनके साथ में है कि और अच्छा काम कर सकें। शुक्रिया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।